नमस्कार, 8 बज चुके हैं और एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। बड़ी खबर, आतंकवाद पे आतंकवादियों का हमला है ना, बड़ा अजीब। कहते हैं ना, जिसे अब जिन पाला होता है ना, और एक दिन ऐसा भी आता है वो जिन जब अपने आप को मारने पे आ जाता है, मालिक का वो कत्ल कर देता है, उसी को खत्म कर देता है। यही हाल पाकिस्तान का है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले को आज खुद उनसे लड़ना पड़ रहा है और वही आतंकी उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। यही रहा पाकिस्तान का हाल, 24 घंटों में 2 बार वहां पे हमला। और कल रात मियां वाली एयरबेस कैंप में 6 आतंकवादियों ने घुसकर जो हमला किया और पाकिस्तान का कितना नुकसान कर दिया, ये आप जान के हैरान हो जाएंगे। पूरे एयरबेस को तबाह कर दिया। हालांकि 3 आतंकवादी अब तक मारे चुके हैं, 3 अभी भी हैं जब तक ये प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने 5 फाइटर जेट वहां पे जला के राख कर दिए, ड्रोन, छोटे जहाज, कितने जहाजों को नुकसान पहुंचा दिया। 30 से ज्यादा सैनिक जो है चाहे तो गंभीर रूप से घायल हो गए या मारे गए। ये रिजल्ट निकला इनका। जो जैसी का खेती बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा आपको। पाकिस्तान की ये हालात है अब कि हर दूसरे तीसरे दिन वहां पे कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है। और यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जिस तरह से अपने ही टेररिस्ट और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ ये जूझ रहे हैं, पाकिस्तान की बुरी हालत हो जाएगी। अनाज को पैसे ही तरस रहे हैं वहां पे, खाने को बुरी हालत है, कंगाली है वहां पे। और उसके साथ साथ अब इनको पता चला है टेररिज्म होता क्या है। जिस तरह से उसने भारत को और पूरे विश्व के अंदर टेररिज्म फैलाने की कोशिश की थी, आज खुद मालूम हो रहा है टेररिज्म क्या है। आप उसको खुद सेक लग रहा है, उस आग में खुद झुलस रहा है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू में आज ईडी ने पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया। इससे पहले भी उनके घर में छानबीन की थी ईडी का, वहां पे भी एक उनकी और उनकी धर्मपत्नी को पूछताछ की थी उनके घर पे जाके। आज उनको अपने ऑफिस में बुलाया है और वहां पे एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उनके जो समर्थक थे वो भी ईडी ऑफिस के बाहर खड़े हो गए, उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने यहां तक कहा कि ईडी जानबूझकर डोगरा नेता को फंसाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चौधरी लाल सिंह जनता पार्टी में आ जाएं तो सब उनके जितने भी आरोप हैं उनसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम किसी कीमत पे भी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। ये बात उनके बेटे ने कही, उनके समर्थकों ने कही। अब की गिरफ्तारी होती है ये उन्हें छोड़ दिया जाता है, ये तो देर रात बाद तक पता चलेगा। जम्मू कश्मीर में एक और बात सामने आई है कि सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत कोई भी कर्मचारी अपने लिए या किसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगा, रोड पे जाम नहीं लगाएगा, किसी किसी की डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेगा। ये उन्होंने रोक लगा दी है उन एम्प्लॉइज के लिए जो हर रोज जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जम्मू को मंदिरों के शहर की जगह धरनों का शहर किया कहा जा रहा था। इसके साथ साथ GMC गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू ने भी ऐसा ही एक ऑर्डर निकाला है। उन्होंने भी कहा है कि उनका कोई भी एम्प्लॉय प्रोटेस्ट नहीं करेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेगा, यहां तक कि मीडिया के साथ भी बात नहीं करेगा। अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अनुशासन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरिएट जम्मू कश्मीर द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है जिसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो स्ट्राइक कर सकता है, ना ही सड़क ब्लॉक कर सकता है और ना ही मीडिया में अपनी बयानबाजी दे सकता है। धरना नहीं दे सकेंगे GMC के छात्र, मीडिया से बातचीत पर भी प्रतिबंध।
जीएमसी जम्मू के छात्र अब धरना नहीं दे सकेंगे, ना ही शामिल हो पाएंगे। इसके साथ रोड ब्लॉक और मीडिया के साथ बातचीत करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में वॉयस हॉस्टल के वार्डन की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। बताया है कि नियम का पालन ना करने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। छात्रों के बीच विवाद गहराता जा रहा है, इसके चलते कॉलेज प्रबंधन ने निर्देश जारी कर दिया है ताकि अनुशासन बना रह सके। छात्र अवैध गतिविधियों में भाग लेने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। नियम का पालन ना करने वालों को आरोपी माना जाएगा। चौधरी लाल सिंह को आज एक बार फिर से ईडी द्वारा पूछताछ के लिए दफ्तर में बुलाया गया। इसी को लेकर उनके समर्थकों का ये कहना था कि चौधरी लाल सिंह एक साफ छवि वाले नेता हैं और बार बार ईडी द्वारा जो उन्हें बुलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और उनके समर्थकों का ये भी कहना था कि इतने साफ सुथरी छवि वाले नेता को बार बार पूछताछ के लिए बुलाना बिल्कुल गलत है। और इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को कहा कि मोदी सरकार सरकार नहीं, यानी कि उसे कंपनी करार दिया। ये उनके समर्थकों का कहना है। जितेंद्र को ज्यादा खतरा है, ये जो पीएमओ में बैठे है ना मंत्री, और लोगों की चिंता नहीं है उसे, उसे चिंता है कि कौन कौन जो मेरे आगे वाले इलेक्शन में घुसने के लिए उसे अपना डर सता रहा है। और ये डर जो है ये बरकरार रहेगा। और डराना क्या है, खुद दिन में घुसने वाले है आने वाले इलेक्शन में, ये दिखाई नहीं देंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ऐसे बनाते रखा है और जम्मू के डोगरों अब हाथ जो है डोगरों पे डाला है। नशे से कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कई घर तबाह हो जाते हैं, और इसी को लेकर कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं, यानी कि जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसी के तहत सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता और सुरेश बंगोत्रा द्वारा स्कूली छात्रों के साथ एंटी ड्रग्स रैली निकाली गई। आज से हमने एक कैंपेन शुरू किया है अगेंस्ट ड्रग्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3-4 साल से हमारे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल चुका है। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि हम जब देखते हैं हमारा यूथ मर रहे हैं, तो इट्स वेरी 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 बैड। बाकी देखिए, ये जो कंपेन है ड्रग्स के अगेंस्ट है, आप जैसे हमारे बैनर देख रहे हैं, प्ले कार्ड्स देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू स्पोर्ट्स। यानी कि हमको ड्रग्स नहीं, बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि जब हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उससे इंडिविजुअल की जान तो जाती है, लेकिन उसके साथ पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरा इसमें मैसेज है कि से यस टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई स्पोर्ट्स प्ले करते हैं उससे हम मेंटली और फिजिकली तो फिट रहते ही हैं, साथ में ज़िंदगी में हमारा कोई भी गोल हो उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प होता है। बाकी देखिए, ये जो ऐसे जो हमारी सोसाइटी में ये गंदगी आ चुकी है, इसको हमने कुपवाड़ा में 10 बार घुसपैठ की कोशिश, LOC पर सुरक्षा बलों ने 8 महीनों में 22 आतंकी किए ढेर। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पार से इस साल 8 महीनों में घुसपैठ की कम से कम 10 कोशिशों में कुल 28 आतंकवादी मारे गए हैं। 28 अक्टूबर को माछिल सेक्टर में भारी हथियारों से लैस और उच्च प्रशिक्षित 5 घुसपैठिए मारे गए। 1 अक्टूबर को माछिल सेक्टर में LOC पर 2 आतंकी मारे गए। 30 सितंबर को माछिल सेक्टर में LOC पर 2 घुसपैठिए मारे गए। 6 अगस्त को करनाह सेक्टर के अमरोही में घुसपैठ करने वाला एक आतंकी मारा गया। 19 जुलाई को माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश में 2 आतंकवादी मारे गए। 23 जून को माछिल सेक्टर में काला जंगल इलाके में 4 आतंकी हुए ढेर। 16 जून को घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जिसमें केरन सेक्टर के जुमगुंड इलाके में नियंत्रण रेखा पर एक संयुक्त अभियान में 5 घुसपैठिए मारे गए। 24 जून को माछिल सेक्टर में LOC पर कुल 4 आतंकी मारे गए। 4 मई को माछिल सेक्टर के पिछनाद इलाके में LOC पर कुल 2 आतंकवादी मारे गए। कुपवाड़ा स्थित 28 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC गिरीश कालिया ने कहा कि सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। घाटी में विकास और पर्यटन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। LOC के दूसरी ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे सभी प्रयासों को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। GOC ने ये भी कहा कि पिछले 8 महीनों में 10 प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 8 आतंकवादी मारे गए। बर्फबारी की शुरुआत को देखते हुए घुसपैठ की कोशिशें भविष्य में भी होंगी। जमावड़े और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए घुसपैठियों को बर्फबारी से पहले ही खदेड़ दिया जाता है। नियंत्रण रेखा पर पूरी सतर्कता के साथ जवान तैनात हैं। दिल्ली NCR में शुक्रवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई।
भूकंप का केंद्र नेपाल में था, वहीं सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार तीव्रता 6.4 रही। फिलिस्तीन के बहाने पीएचडी कर रही सियासत, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी अब फिलिस्तीन के बहाने अपनी सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पीएजीडी के अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष हैं। बैठक के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि आज की हमारी बैठक फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ संवेदना और समर्थन व्यक्त करने के लिए बुलाई गई थी। जम्मू कश्मीर के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में खुद को खड़ा करने में जुटी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी अब फिलिस्तीन के बहाने अपनी सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। पीएजीडी ने शुक्रवार को गाजा में मानवीय सहायता भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के साथ ही गाजा में जंगबंदी सुनिश्चित करने के लिए विश्व समुदाय से प्रयास करने की अपील की है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एसआईए ने पुंछ के गांव कनुइया में टेरर फंडिंग के पुराने मामले में छापेमारी की, लेकिन आरोपी छापेमारी से पहले ही घर से फरार हो गया। इस कारण एसआईए की टीम बिना किसी कार्यवाही के वापस लौट आई। जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के करीब 5 बजे एसआईए की टीम ने इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में गाँव कनुइया की उमर कॉलोनी में रहने वाले टेरर फंडिंग के आरोपी मोहम्मद हसीफ के घर छापेमारी की, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। आज के लिए बस इतना ही। अब सोमवार आपसे फिर भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।